Hello my dear student and welcome to our YT channel S.S.P education. So students, I'm going to discuss with you. Now, see, you have to do this. You have to do Na panchama shreni ra jo keteka abadha chitra okay keteka abadha chitra ame se bisara aj abhyas jo ankan abhyas achi ame aj taku discussion kariba okay tu mane jeti ki se abhyas re ankan achi ame taku sampurna har bujhe de ta purpur kari ku jam channel jo nua kari ase jo subscribe kari ki ghanti chinh upar set kar de jahadar jetre video upload ho tu mane bahar panch pariyo video bhal lagile gote like kariba संगो साथी मानक ती शेयर कर दो तो अंकन जो मैं न बुझ पारियो मते कमेंट करियो मु तंग बुझा देबे आ गुटे डाउट क्लियरिंग वीडियो रे तो देखो अभ्यास कार्य तो देई छी कोन एक नंबर क ख ग त्रिभुज अंकन करो जहार क ख बाहुर दर्घ्य 6.5 सेमी ख ग बाहुर दर्घ्य 4.6 सेमी एवं क ख ग पर परिमाण 75 डिग्री तो देखिबाय अंकन टी की परि हेबो तो स्टूडेंट्स देखो केते को आबद चित्र तो एक नंबर अंकन देखिबा देखला कोन ना हम प्रथम प्रणाली अंकन प्रणाली लिखिया 6.5 सेमी दर्घ्य विशिष्ट क ख रेखाखंड अंकन कर त देखो एपटे हम कर दीची क ख दर्घ्य विशिष्ट गोटे रेखाखंड मु नेई छी तुमे नै परि नव चित्र रहला वली ख नंबर रे ख बिंदु रे क ख बाहु रे प्रोटेक्टर सहाय्य रे 75 डिग्री परिमाण कोण अंकन कर को बिंदु रे ख बिंदु रे क ख बाहु उपर ख बिंदु रे क आ ख बाहु उपर हैला क ख बाहु उपर ई बाहु उपर 75 डिग्री तुम प्रोटेक्टर रे नव ई परि भाव रे ऊपर बुझबो ओके तो ता पर कोण अछि 75 डिग्री नेला पर कोण करिवो देछि ना ख ग बाहु उपरे 4.6 सेमी दर्घ्य मापर चिन्ह नै सेठारे ग बोली नाम दब देछि ख ग बाहु उपरे 4.6 सेमी एठु हम कोण करिया ना स्केल को तुमे एट पके दबो 4.6 सेमी जोठेला हेटी बिंदु दे दबो ओके तो ता पर कोण करिवो तो बुझियौ जि ना नै कमेंट करो ख ग को जोग करी ख ग रेखाखंड मिलिबो क ख गोटे आवश्यक त्रिभुज हबो जितेबेर तुमरो एठ मनकर हैला बिंदु ओके बिंदु मनकर एठ हैला तमे ख ग को जोग कर दबो हेले गोटे त्रिभुज तुम मनकर मिलि गेला तो देखो से त्रिभुज टी किपरि होइछ ए भले त्रिभुज टी तुम गोटे मिलि जबो ओके तो तापर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन ने समस्त क्लियर तो पूरा पूरा क्लियर बुझैथिबो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स एबे देखो 2 नंबर 8.4 सेमी क ख नहीं यार क बिंदु रे क ख बाहु पर प्रोटेक्टर सहाय रे 55 डिग्री एवं ख क बिंदु रे ख क बाहु पर 55 डिग्री कोण अंकन करी त्रिभुज टे अंकन करे यार अन्य दुई बाहु रे दर्घ्य मापी या की प्रकार त्रिभुज लेख त चलो क्वेश्चन नो आंसर देखिबा तो स्टूडेंट्स एबे देखो 2 नंबर ओके 2 नंबर क्वेश्चन तो देखो कोन दिछि अंकन प्रणाली हम प्रथम लिखिबा कोन दिछि ना 8.4 सेमी दर्घ्य विशिष्ट क ख रेखाखंड है देखो 8.4 सेमी दर्घ्य रो गोटे क ख रेखाखंड एठार निया जाय छि ओके तो नेक्स्ट कोन दिछि ना क बिंदु रे क ख बाहु पर प्रोटेक्टर सहाय रे 55 डिग्री कोण अंकन कर 55 डिग्री देखो एठार मध्ये सेही 55 डिग्री कोण अंकन है छि ओके देखो क बिंदु रे 55 डिग्री ऑलरेडी है छि ओके तुमने खातार करियो न बुझि पाले कमेंट करियो ख बिंदु रे ख क बाहु पर मध्ये सेही 55 डिग्री कोण अंकन कर तो देखिबा तो देखो एठार मध्ये आई ख बिंदु रे मध्ये देखो एठी मध्ये 55 डिग्री तुमनर अंकन हो जाय छी तो तापर घ नंबर देखिया कोन दिस ना क ओ ख बिंदु रे कोण सृष्टि करथिया रश्मि देव बिंदु रे मिली तर नाम ग दियो क ख ग आवश्यक त्रिभुज जार क ख ग होय जो 7 सेमी ओके तो तुमने दे छी क ख क ग आ इक्वल टू ख ग इक्वल टू 7.3 सेमी क ग इक्वल टू ख ग हो 7.3 सेमी तो तुमे कोन करियो जोठी ए दिटा 55 डिग्री मिलित हबो प्रोटेक्टर बिंदु सेठी कोन करियो गार टर्न देबो ओके एटा क्लियर तो समस्त करियो खाता रे चेष्टा करो न बुझि पारले मते कमेंट करो तो तापर देखिया 3 नंबर तो देखो स्टूडेंट्स 3 नंबर 6.5 सेमी दर्घ्य विशिष्ट क ख रेखाखंड ने क ख बिंदु ऊपर 90 डिग्री ओ ख क बिंदु पर 45 डिग्री कोण अंकन कर त्रिभुज अंकन कर त्रिभुज तृतीय कोण ग र परिमाण निर्णय कर यह की प्रकार कोण तो चलो आंसर देखिया पूरा इजी रे बुझ तो देखो स्टूडेंट्स 3 नंबर देखो अंकन प्रणाली 6.5 सेमी दर्घ्य विशिष्ट क ख रेखाखंड अंकन हो 6.5 सेमी तो माने प्रथम गोटे रेखाखंड नबो 6.5 सेमी क बिंदु रे ख क ख बाहु पर प्रोटेक्टर सहाय रे 90 डिग्री क ख तुमे जहा दे परे ओठी 90 डिग्री नबा ओके तो ता पर देखो कोन देला ना ख बिंदु रे क ख क ऊपर प्रोटेक्टर सहाय रे 45 डिग्री अंकन कर ओके तो सॉरी ठीक है तो देखो 45 डिग्री एठा हम कोन करिया ख बिंदु रे एटा ख देछे एठी कोन करिया ना 45 डिग्री नबाई परिवार तुमरा मिलित हो एठे देखो एठे से चित्र होई छे तो तापर जो ठेला क नाम दब ओके त जाहर ग र ग र परिमाण रह होची केते 45 डिग्री हबो ग परिमाण तुम को मागी थिला जे ग र परिमाण केते ना लिखि दबो ग र परिमाण होची 45 डिग्री समस्त क्लियर बुझैथिबो तो चलो 4 नंबर को
देख चार नंबर कौन देखी सरी तो देख चार नंबर सात दशमी चार सेम दर्घ्य विशिष्ट च छ रेखाखंड च बिंदु रे 60 डिग्री और छ बिंदु रे 60 डिग्री परिमाण कोण अंकन कर च छ ज त्रिभुज अंकन कर त्रिभुज क ज र परिमाण रो बाहु रे दर्घ्य माप तो तुम्हारो बाहु रो नाम ऑलरेडी दे दी तो चला तो देख चार नंबर देखा कौन अंकन प्रणाली देख कौन देखी ना सात दशमिक चार सेमी दर्घ्य विशिष्ट च छ रेखाखंड कर मुझे करदे ये तुम ऑलरेडी अंकन अच्छे मुझे गोटे तुम्हारे करदे ये च बिंदु च छ बाहू पर च आउ छहुना 60 डिग्री कौन अंकन कर च बिंदु कौन करा ना प्रोटेक्टर साहय 60 डिग्री तुम्हारे भाव में 60 डिग्री हम तो कौन दे छ बिंदु छ छ बाहू पर प्रोटेक्टर में 60 डिग्री अंकन कर तो देख छ बिंदु से ही 60 डिग्री ओके 60 डिग्री हम ओके तो तापर देख कौन देला ना च और छ बिंदु कोण सृष्टि करता रश्मि देव जो मिलित हे ना ज दिव हो यार मिलित हे ना ज दब हो ये मिलित हेल्ले ज दब ओके तो देख दे च छ ज आवश्यक त्रिभुज जार जर परिमाण तुमको जर परिमाण मागिता 60 डिग्री आ छ च बाहुर दर्घ्य मागिता सामान लिखिदेव सात दशमिक चार सेमी ओके तुम्हारे ये भी क्लीअर तो देख दिए अंकन आउ थे तुमने खातार न कले कि बुझीपार ना तो देखिए नेक्स्ट देखा के नंबर पांच नंबर तो तुम्हारे थे टोटाल छटी अंकन अच्छी तो देख पांच नंबर जेकोसी मपर बाहू नहीं गोटे समद्विवाही त्रिभुज क ख ग अंकन कर यार कोण तीनोटी को मापी लेख तो देखिए आंसर कौन अच्छी तो देख पे तुमको त्रिभुजा देखेदे यहीपर भाव में त्रिभुजा हम ओके तो तेल अंकन प्रणाली देखा सब इजी रे बुझी हूँ ना कमेंट कर तो देख छ सेमी दर्घ्य विशिष्ट क ख रेखाखंड अंकन कर आम ये तुम बुझे दूसरी सांपुल छ सेमी रही दर्घ्य विशिष्ट क आउ ख नाम दे गोटे रेखाखंड अंकन क बिंदु में पांच सेमी दर्घ्य विशिष्ट एक रश्मि पांच सेमी गोटे रश्मि नब ख बिंदु में पांच सेमी गोटे रश्मि नब आउ जपरी क बिंदु अंकित रश्मि ख बिंदु अंकित हे ये ग दब ना जो दिज छेद करेंगे ग दब ताप तुमको क मांगा जार कर परिमाण खर परिमाण 54 डिग्री गर परिमाण 72 डिग्री ओके तो क्लीअर समस्ते तो देख आउ थे से त्रिभुजा देखे दूसरी भाव में तुमको से त्रिभुजटे अंकन कले तुमकर भाव में चित्रटे हम आउ खातार निश्चित भाव कर तो चल छः नंबर देख तो देख स्टूडेंट छः नंबर आउ लास्ट नंबर क्वेश्चन है गोटाक आठ दशमी चार सेमी दर्घ विशिष्ट क ख क बिंदु में गोटे सूक्ष्मकोण और ख बिंदु में क ख उ गोटे स्थूल कोण नहीं त्रिभुजटी अंकन कर क खर परिमाण माप एवं कह गोटे त्रिभुज अंकन करने अति कमे केतोटी माप जनाथ्वा दरकार केतोटी ना तीनोटी ये कहीदेली यार आंसर तो चल ए अंकन को जीवा स्टूडेंट्स देख यहीपर भाव में तुम्हारे त्रिभुज अंकन टेपर भाव में हम तो चल मुझे सांपुल अंकन करदेवी प्रणाली पढ़ी तो देख प्रणाली प्रथम प्रणाली आठ दशमी चार सेमी दर्घ्य विशिष्ट क ख रेखाखंड अंकन कर आठ दशमिक चार सेमी देख मन करोटे ने क ख आना दे क ख यहाँ है तुम आठ दशमिक चार सेमी ओके बुझ बुझ समस्ते न बुझे कमेंट कर तो क बिंदु जेकोसी मपर एक स्थूल कोण अंकन कर स्थूल कोण तुम्हारे जिते शहे मानने 90 डिग्री अधिक 100 डिग्री कम मानकर मुझे नहीं गली 105 डिग्री ओके 105 डिग्री होगा यहाँ मन मोर नहीं 105 डिग्री तुमने जेकोसी गोटे स्थूल कोण नहीं पार ओके तो देख कौन दे देख ग दे ख बिंदु जेकोसी मपर एक सूक्ष्मकोण अंकन कर तो देख जेकोसी मपर सूक्ष्मकोण सूक्ष्मकोण कहले तुम कौन बुझ जो कोण परिमाण 60 डिग्री अधिक 180 डिग्री सरी 90 डिग्री कम तो देख देख पे ये मानक मुझे सूक्ष्मकोण नहीं गली के डिग्री 30 डिग्री तो सरी पे तुम सूक्ष्मकोण है कौन ना जो कोणर परिमाण केते 0 डिग्री अधिक 90 डिग्री कम ता हूँ तुम सूक्ष्मकोण ओके तो देख नहीं गला कौन देखे क्वेश्चन घ नंबर क और ख बिंदु में कोण सृष्टि करुवा रश्मि देह जो बिंदु मिलित हे से बिंदुर नाम ग दिव ओके तुम कोण गोटा पूर्व भिडियो पढ़ाई थी से देखी थो तो जो जोग है तार ना दवा ग ओके कौन दे ग देलापर क ख ग एक आवश्यक त्रिभुज जार कोण कर परिमाण 100 डिग्री आ खर परिमाण 30 डिग्री कौन दे खर परिमाण 30 डिग्री कर परिमाण 100 डिग्री मैंने कर परिमाण से तार नहीं 100 डिग्री 30 डिग्री मुझे 105 डिग्री यहाँ नहीं 105 30 तुम्हें जिते नहीं पार तूल कोण गोटे सूक्ष्मकोण गोटे तापर दे कौन गोटे त्रिभुज अंकन करने अति कमे तीनोटी माप जनाथ्वा दरकार जोटा तुम्हारे थिला क्वेश्चन ओके तो पे आशा करें भिडियो समस्त भल लगी थो तो तुमको टोटाली आज कौन कले ना आम अंकन टोटाली सारीदे ओके अंकन टोटाली सारीदे तुम जो छटा प्रश्न था तो नेक्स्ट भिडियो पुणी देखा आज भिडियो रखा धन्यवाद।